दोस्तों, ये वाली वीडियो का थंबनेल आप लोग देखे समझ ही गए होंगे ये वाली वीडियो किस टॉपिक होने वाली है। दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में आपको बताया जा रहा है अहूजा की तरफ से आने वाला दोस्तों जो मोस्ट पावर एम्पलीफायर हमारा माना जाता है, यानी कि सुपर पावर एम्पलीफायर जो कि दोस्तों हमारा अहूजा की तरफ से आता है। इसका नाम आपने टाइटल में देख लिया होगा, अहूजा की तरफ से आने वाला अहूजा SPA 25,000। दोस्तों, ये जो हमारा एम्पलीफायर है इसकी क्या डिटेल है, इसकी क्या प्राइस है, इंडिया में कितने प्राइस का मिलता है, इसका अप्रॉक्स प्राइसिंग क्या है, और जो दोस्तों इसमें क्या स्पेसिफिकेशन है, इसका फ्रंट पैनल, बैक पैनल, और कितनी पावरफुली एम्पलीफायर है, यानी कि इसका मतलब कि आप लोग इसमें कितने स्पीकर बजा पाओगे। तो ये सारी डिटेल के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो मुझे लगता है मैंने इसका बहुत सारा टाइम ले लिया है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूर्यांश, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट में बता देना चाहता हूँ, वीडियो काफ़ी छोटी होने वाली है, तो इसको लास्ट तक के आपको देखना है। वो पसंद आए तो लाइक जरूर से करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो ये टेम्पलेट्स वगैरह क्रिएट होते हैं ये सब मेरे द्वारा ही क्रिएट कर जाते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको कोई गूगल से डायरेक्ट वेबसाइट पर सर्च करके नहीं दिखाता हूँ, मैं जो इस एम्पलीफायर के बारे में जानता हूँ वो उन्हें खुद से बनाता हूँ टेम्पलेट, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अहूजा SPA 25,000 का जो फ्रंट पैनल है वो कैसा है। यहाँ पे आपको मास्टर, बेस और ट्रिपल का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन के यहाँ पे बटन आपको देखने को मिल रहे होंगे। दोस्तों, फ्रंट में आपको ऑक्स इनपुट देखने को मिल जाता है, LED आउटपुट इंडिकेटर जो कि हर एम्पलीफायर में होता है आप लोग जानते ही हो, और यहां पे डुअल हैंडल देखने को मिलता है जिसके साथ आप लोग एक फ्लाइट केस में भी इसको रख सकते हो आराम से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो फ्रंट पैनल दोस्तों कुछ इस तरीके का है, सामने अहूजा की ब्रांडिंग है, और ये छोटी मोटी बातें हैं जो सभी लोग बताते हैं आपको। और यहाँ पे आपको एक हीट वेंटिलेशन के लिए होल्स देखने को मिल रहे हैं जिससे आपकी हीट पास आउट हो जाएगी इस एम्पलीफायर के बाहर। तो ऊपर के साइड भी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा मिल गया होगा एम्पलीफायर कैसा है। ऊपर हैंडल्स दिए गए हैं इसको उठाने के लिए, और यहाँ पे इसको फ्लाइट केस में भी बहुत ही आराम से आप लोग रख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया दिया। तो चलिए बात करते हैं बैक पैनल की, वीडियो को काफी छोटा बनाते हुए। दोस्तों, यहाँ पे इस बैक पैनल का जो आपको उसमें जो लुक मिलता है वो बिल्कुल नॉर्मल सा लुक है, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को आउटपुट में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग 2 और 4 ओम यानी कि बॉक्स बजाने के लिए और 70 और 100 वोल्ट लाइन का ऑप्शन मिलता है। साथ ही में आपको स्विच करने के लिए बैलेंस और अनबैलेंस का लाइन का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों, इनपुट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 100 वोल्ट लाइन का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि एक स्विच देखने को मिलता है, ग्राउंड का स्विच दिया गया हुआ है, और यहाँ पे आपको MV स्विच देखने को भी मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोग का यहाँ पे DC पावर कुछ ज़्यादा बैलेंस हो जाती है या फिर एक तरीके से मान लें ज़्यादा बैलेंस नहीं, यहाँ पे अनबैलेंस हो जाती है, तो यहाँ पे आपका जो इसमें पीछे वाल MCB लगा हुआ है इस एम्पलीफायर के वो ऑटोमेटिक आपका गिर जाएगा जिससे कि आपके एम्पलीफायर में कोई प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पे आपको बैक पैनल पे एक रीसेट बटन देखने को मिलता है जो कि ओवरलोड पे काम आता है। दोस्तों, बैक पैनल पे यहाँ पे फ़ैन दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सबसे मेन हाईलाइट इसकी जो फ़ैन दिया हुआ है जो कि दोस्तों आप लोग जानते हो एम्पलीफायर ज़्यादा वोल्टेज का है तो पावर तो जनरेट करेगा, पावर के साथ हीट भी जनरेट होगी। अगर आप इसको किसी लाइव प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हो या फिर कंटिन्यूस यूज़ करते हो तो फ़ैन भाई इसीलिए दिया हुआ है कि सारी हीट बाहर कर देगा, एम्पलीफायर आपका मस्त चलने वाला है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपने जान लिया फ्रंट पैनल, बैक पैनल, चलिए इसकी बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की और फिर वीडियो को एंड कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, मैं आपको प्राइस बता दूंगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट में प्राइस है तो लास्ट तक देखते रहिएगा। यहाँ पे दोस्तों स्पेसिफिकेशंस नॉर्मल सी हैं, वोल्टेज की बात आप लोग समझ ही गए होंगे। 25,000 तो भाई इतना तो होने वाली वाला, 2500 वॉट इसका RMS है, और अगर आप मैक्स बजाना चाहो तो 3000 वॉट मैक्स चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपको 2 और 4 ओम पे दोनों को जो बजाने को मिल रहा है आपको स्पीकर में, तो यहाँ पे मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आप ज़्यादा वोल्टेज दे रहे हो यानी कि 3000 वॉट दे रहे हो या फिर मान के चलिए 3500 वॉट दे रहे हैं, देखिए देखिए यहाँ पे तो 4000 आप नहीं दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका स्पीकर इतना लोड नहीं डालेगा या फिर बेस लोड नहीं डालेगा तो आप दे सकते हो अपने रिस्क पे, लेकिन मैं आपसे आपसे कहूँगा कि 3500 वॉट के ऊपर मत बढ़िएगा, और अगर आपको 3500 वॉट चलाना है तो 2 ओम पे ही चलाइएगा। आप स्पीकर्स को पैरेलल कनेक्ट करके ओम्स मैच करके यहाँ पे बजा सकते हो। 3000 वॉट मैक्स देता है यहाँ पे कंपनी के द्वारा, 3000 वॉट मैक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं यहाँ पे इसके इंटरनल फीचर्स की। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली बात, जो एम्पलीफायर का वेट है बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, इसका रीज़न है आप लोगों ने स्क्रीन पर देख लिया होगा, डुअल ट्रांसफार्मर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है, डुअल ट्रांसफार्मर आपको एम्पलीफायर का देखने को मिलते हैं क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं सुपर पावर एम्पलीफायर है, और यहाँ पे वेट आप देख सकते हैं 38 kg अप्रॉक्स का वेट। दोस्तों, यहाँ पे वेट मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि आपको पता लग जाए कि इसको वेट लिफ्टिंग में आपको प्रॉब्लम आने वाली है, तो भाई सही बात, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है आपको वेट में। तो यहाँ पे इस एम्पलीफायर का फ्रंट और बैक मिलने का बात हो गया, स्पेसिफिकेशन की बात हो गई, चलिए बात करते हैं प्राइस की, फिर वीडियो को एंड करते हैं।
स्क्रीन पे आपको प्राइस दिख रहा होगा, हो जाए SPI 25,000 का, 55 से 60 के अप्रॉक्स इसकी प्राइसिंग है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको प्राइस सिर्फ इस नज़रिए से बताता हूँ कि एक मेरा विजन आप समझिए कि यहाँ पे मैं आपको ऐसा प्राइस बताता हूँ कि आप लोग को इतने पैसे तो मार्केट में लेके जाने ही हैं अगर आपको इस एम्पलीफायर खरीद के लाना। दोस्तों मैं आपको ऐसा नहीं बताता हूँ कि ये आपको 55,500 या फिर 55,900 ये इसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग है, नहीं दोस्तों यहाँ पे ये काफ़ी कॉस्टली होता है। तो मैं आपको सिर्फ एक अंदाज़ा देता हूँ कि आपको 55 से 60 हज़ार तो मार्केट में लेके जाना ही है अगर आपको ये वाला एम्पलीफायर अपने घर लाना। तो बस दोस्तों आज के सारे वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा।